हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं कैनी एज डिटेक्शन ऑल द फाइव स्टेप्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी इंटरव्यू में पूछ ही लिए जाते हैं। एंड एट द एंड वी विल सी द कोडिंग इंप्लीमेंटेशन, जो लास्ट वीडियो में हमने सोबल शार फिल्टर करा, लैपलेसियन फिल्टर करा। सो इन तीनों का और प्लस कैनी का हम लोग लास्ट में कोडिंग और सारा चीजें देखेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग कवर अप करते हैं सबसे पहले कैनी एज डिटेक्शन और इसकी मैथमेटिक्स। सो व्हाई कैनी, मैंने आपको लास्ट में ये इंट्रोडक्टरी इमेज दिखाई थी कि इस इमेज पे अगर हम सोबल शार या फिर लैपलेसियन लगाते हैं तो कुछ ऐसे से रिजल्ट्स आते हैं, मतलब धुंधले से आते हैं, इस पे कुछ हम परफॉर्म नहीं कर सकते। बट अगर मान लो हमें इसमें कॉन्टूर डिटेक्शन लगाना है, कॉन्टूर डिटेक्शन मतलब हमें ये पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सब अलग करने, तो हमें कुछ ऐसी इमेज चाहिए होगी। और ये इमेज किससे आती है? कैनी एज डिटेक्शन से आती है। कोई भी स्टेबल ऑपरेशन नहीं होता है इन सारे फिल्टर्स पे, लेकिन कैनी एज डिटेक्शन पे आप स्टेबल ऑपरेशन कर सकते हो। ऑलराइट, चलो द फाइव स्टेजेस ऑफ कैनी एज डिटेक्शन। बिफोर मूविंग ऑन, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना, मैं इसके बाद बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊंगा, प्रोजेक्ट्स भी लाता रहूंगा। सो आपको वो मींस नोटिफिकेशन आते रहेंगे। इंस्टा पे फॉलो कर देना, यू विल सी माय स्टोरीज टू। सो फर्स्ट स्टेप इज द नॉइस रिडक्शन, जिसमें हम लोग नॉइस रिड्यूस करते हैं। कोई भी इमेज आती है तो ये पांचों स्टेप से गुजरती है। जब हम कैनी फंक्शन लगाते हैं तो ये पांच स्टेप से गुजरती है, ठीक है। ये डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कैनी एज डिटेक्शन। फर्स्ट इज नॉइस रिडक्शन, सेकेंड इज ग्रेडियंट कैलकुलेशन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा है, नहीं जाए नहीं देखिए तो जाकर देखो कि व्हाट आर ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? इमेज में रैपिड इंटेंसिटी वैल्यू चेंजेस को हमें दर्शाते हैं ग्रेडियंट्स। और ग्रेडियंट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सोबल एक्स, सोबल वाई, लैपलेसियन, शार फिल्टर। उसके बाद आता है नॉन मैक्सिमम सप्रेशन। अभी हम एक एक करके इसे एक्सपेंडेड व्यू में देखेंगे। नॉन मैक्सिमम सप्रेशन क्या होता है? आपने इस इमेज में देखा कि ये बीच में धुंधली धुंधली सी वैल्यूज आ रही हैं। इन धुंधली धुंधली सी वैल्यूज को, ये बीच वाली वैल्यूज को हटाना ही हम कहते हैं नॉन मैक्सिमम सप्रेशन। कि जहां पर एज नहीं है वहां की, जैसे याली जो ये है, ये खाली स्पेस में थोड़ी थोड़ी एजेस दिखा रहा है ना, ये देखो ये सारी वैल्यूज हटा देता है। फिर आती है डबल थ्रेशहोल्डिंग। डबल थ्रेशहोल्डिंग क्या करती है? जो लाइट एजेस हैं, अगर वो एज है, परफॉर्म्ड एज है, तो उसे वो डार्क कर देगी। मतलब जो कन्फर्म्ड एज है उसे और वो ब्राइट कर देगी, और जो एज नहीं है उसे वो हटा देगी, ठीक है। फिर आता है एज ट्रैकिंग बाय हिस्टरेसिस। इसे अभी हम लोग समझते हैं, दो पार्ट्स इंटरलिंक्ड होते हैं। सो नाउ कमिंग ओवर टू द नॉइस रिडक्शन। एज डिटेक्शन ससेप्टेबल होता है नॉइज के लिए। अगर एक इमेज में बहुत सारी नॉइज है तो क्या होंगी? उसमें बहुत सारी एजेस भी बनेंगी। क्यों? नॉइज क्या होता है? हाई इंटेंसिटी वैल्यूज, हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी। इसकी वजह से एज डिटेक्शन वाले पार्ट में ग्रेडियंट जब कैलकुलेट होंगे तो ग्रेडियंट भी उल्टे सीधे कैलकुलेट होंगे, उसकी वजह से एज डिटेक्शन जो है अच्छा नहीं परफॉर्म करता है। सो फर्स्ट इज द नॉइज रिडक्शन पार्ट, जिसे हम अप्लाई करते हैं यूजिंग अ गॉसियन फिल्टर। गॉसियन फिल्टर अगर नहीं पता है तो फिर लास्ट की वीडियोज जाके देख लो, यू विल बी वॉचिंग इट। गॉसियन फिल्टर क्या करता है? एक इमेज में से नॉइज हटा देता है यूजिंग अ गॉसियन मैट्रिक्स। एंड ये हमारे पास सेकंड ब्लर्ड इमेज आ गई। चलो अब सेकंड पे चलते हैं, ग्रेडियंट कैलकुलेशन। ग्रेडियंट कैलकुलेशन क्या होता है? जब हमारे पास स्मूथ इमेज आ गई, हमें वो हट गए सारी नॉइजेस। अब हमने लास्ट की वीडियो में देखा था ग्रेडियंट कैलकुलेशन क्या होता है। हमने सोबल कर्नल से एक इमेज को कॉन्वोल्यूट करा था। कॉन्वोल्यूट करने से हमें GX और GY दो इमेज मिली थी ना, एक में जिसमें हॉरिजॉन्टल सारे ग्रेडियंट्स थे, एक में वर्टिकल ग्रेडियंट्स थे। इनका स्क्वायर करके जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, अंडर रूट ऑफ GX स्क्वायर प्लस GY स्क्वायर, ये क्या है? अप्रोक्सीमेशन ऑफ ग्रेडियंट, कि कहां कहां पर इंटेंसिटी वैल्यूज चेंज हो रही है, ये ग्रेडियंट मैट्रिक्स बना देती है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हर पिक्सल पर जाकर वो क्या करता है? सोबल फिल्टर अप्लाई करता है। उसके बाद उस पिक्सल की वैल्यू नई एक मैट्रिक्स में स्टोर हो जाती है। तो वो मैट्रिक्स दोनों का स्क्वायर करके जब हम अंडर रूट करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास? ग्रेडियंट आ जाता है। और साथ ही में GY अपॉन GX, GY मतलब Y डायरेक्शन अपॉन X डायरेक्शन का ग्रेडियंट, और उसका tan इनवर्स हमें क्या देता है? उस पर एंगल दे देता है। अब ये एंगल क्या होता है? एंगल वो डायरेक्शन होता है जिसमें एज की, जिसमें जो है इंटेंसिटी चेंज हो रही है। ग्रेडियंट जो होता है हमेशा एज के परपेंडिकुलर रहता है, ध्यान रखना। ग्रेडियंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एज डायरेक्शन, ठीक है। सोबल ऑपरेटर आपको अगर नहीं पता है, ओल्ड वीडियोस रेफर कर लो। अब आपको समझ में आ गया, सोबल एक्स और सोबल वाई निकाल के उनके स्क्वायर करके अंडर रूट करके ग्रेडियंट आ गया, और प्लस उसका एंगल आ गया। अब इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है नेक्स्ट स्टेप में, जो कि है हमारा नॉन मैक्स सप्रेशन। अभी यहां पर देखो, ये सोबल एक्स और सोबल वाई का आउटपुट है। सोबल एक्स प्लस सोबल वाई का ग्रेडियंट हमें कुछ ऐसा करके देते हैं, और साथ में एक एंगल मैट्रिक्स भी।
अब नॉन मैक्सिमम सप्रेशन, फाइनल इमेज में आप जानते हो थिन एजेस होती हैं, जो मैंने आपको सबसे पहले तीन दिखाई थी एप्पल वाली इमेज, उसमें कितनी थिन इमेज थी, मैंने आपको कहा था नॉन मैक्सिमम सप्रेशन में बीच में जितने फालतू के जो होल्स आ रहे थे, पॉट्स आ रहे थे, वो सब हट जाते हैं। हटते कैसे हैं? द एल्गोरिदम गोज थ्रू ऑल द पॉइंट्स, हर एक पिक्सल से एल्गोरिदम गुजरेगा ऑन द इमेज एंड फाइंड द पिक्सल्स विद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट इन एज डायरेक्शन। समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट इन एज डायरेक्शन, मान लो ये मैं आपको इससे समझाता हूं, ये एक मैंने छोटा सा फिल्टर है, ये 3x3 का फिल्टर है और ये इस पिक्सल पर बैठा हुआ है, रेड वाले पिक्सल पर बैठा हुआ है। यहां पर नॉन मैक्सिमम सेपरेशन कैसे अप्लाई होगा? मान लो कि मुझे ग्रेडियंट का जो एंगल है, ग्रेडियंट का एंगल मुझे मिला है 3π/4, ये रेडियंस में एंगल है, ठीक है। हम लोग ये चीज, मतलब ये एकदम से 3π/4 नहीं मिलता, लेकिन हम लोग ये देख लेते कि हाँ भाई यहां से यहां तक है तो हमें ये कंसिडर करना है, ठीक है। मान लो यहां से इस वैल्यू तक आएगा तो हमें 3π/4 कंसिडर करना है। अब हमारे पास ग्रेडियंट एंगल आ गया, उस एंगल में हम लोग सारे पिक्सल्स देखेंगे कि भाई इससे पीछे वाला पिक्सल और इससे आगे वाला पिक्सल, सिर्फ एक 3x3 की मैट्रिक्स में उससे पीछे वाला पिक्सल और उससे आगे वाला पिक्सल, अगर किसी इन तीनों पिक्सल्स में किसी की भी इंटेंसिटी वैल्यू जो पिक्सल जज हो रहा है उससे ज्यादा है, अगर इससे ज्यादा है तो फिर इसे हम लोग क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, और अगर इससे ज्यादा नहीं है तो फिर हमें इसे एज इट इज रहने देंगे। ये होता है नॉन मैक्सिमम सेपरेशन। अब आप कहोगे कि इससे एजेस कैसे कम हो जाते हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूं। ये क्या है कि जैसे मान लो ये ऐसे ऐसे करके, ये देखो मान लो मेरे पास ये कंटिन्यूअस इमेज का पैच है एक छोटा सा, ठीक है। यहां पर ये मैट्रिक्स अप्लाई हुई, अब यहां पर ये जज करेगा कि हाँ भाई यहां पर व्हाइट है लेकिन यहां पर तो ग्रे है, तो व्हाइट की इंटेंसिटी वैल्यू ज्यादा होगी तो इसे भी ब्लैक कर दो, ठीक है ना। ऐसे ही ये जाकर हर एक वैल्यू पे जाता है, लेकिन ये कौन से तीन पिक्सल्स पकड़ता है, उस एज की डायरेक्शन में, जो एज की डायरेक्शन होती है, जैसे यहां पे पाई बाय टू है, यहां पे 3π/4 है, तो यहां पे ये तीनों पकड़ेगा, ये तीनों, यहां पे पाई बाय टू है तो ये तीनों पकड़ेगा। नॉन मैक्सिमम सेपरेशन समझ गए ना, कि एक डायरेक्शन में वो अपने आजू बाजू के पिक्सल्स देखता है, अगर पिक्सल की वैल्यू इंटेंसिटी से ज्यादा है किसी भी आस पड़ोस की तो खुद की वैल्यू वो जीरो कर लेगा, ठीक है। सॉरी, चलो अभी देखते हैं यहां पे आउटपुट। ये देखो अंदर में बाल में जितने भी जो धुंधले धुंधले से एजेस आ रहे थे, ये देखो हाथ के पास ये धुंधले धुंधले से एजेस आ रहे थे, एंड इवन फेस पे भी धुंधले धुंधले से एजेस आ रहे थे, उन्हें सबको क्लीन कर दिया इसने। ये देखो वेरी लाइट एजेस विजिबल है। अब क्या है, प्रॉब्लम पड़ गई कि हाँ भाई ये एजेस तो बहुत हल्की हल्की हो गई, इनसे तो यार बिल्कुल कुछ आउटपुट ही नहीं आएगा। अब आता है डबल थ्रेशहोल्डिंग। डबल थ्रेशहोल्डिंग क्या होता है, इसमें हम दो वैल्यूज डिफाइन कर देते हैं, एक मिनिमम वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू। जो एजेस, अब इसमें देखो इस वाली इमेज में जो एजेस मिनिमम वैल्यू के नीचे होंगी उन्हें हम मार्क कर देते हैं वीक एजेस और उन्हें हटा देते हैं, और जो एजेस मैक्सिमम वैल्यू के ज्यादा होंगी उन्हें हम और ब्राइट कर देते हैं। समझ रहे हो ना, इस इमेज को हम ऐसा करते हैं कि एजेस और शार्प होकर निखर के आ जाएं। एनी एज विद इंटेंसिटी ग्रेडियंट मोर देन मैक्सिमम वैल्यू, इंटेंसिटी ग्रेडियंट मतलब जो हमारा gx² + gy² का अंडर रूट वाली मैट्रिक्स है, मोर देन मैक्सिमम वैल्यू आर श्योर टू बी एडजस्ट, उन्हें हम एडजस्ट मार्क कर देते हैं, एंड बिलो मिनिमम वैल्यू आर नॉट नॉन एडजस्ट तो उसे हटा देते हैं। अब आप पूछोगे बीच के दो का क्या करते हैं, जो मिनिमम से नीचे उन्हें हटा दिया, जो मैक्सिमम से ऊपर है उन्हें प्योर व्हाइट कर दिया, और जो इन दोनों के बीच में उनका क्या करेंगे, तो उन्हें हम डील करते हैं हिस्टेरेसिस से, जो कि फिफ्थ स्टेप है। दोज लाई बिटवीन दीज टू thresholds are classified edges or non-edges based on their connectivity. Connectivity के बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। आप देखते हैं hysteresis क्या होता है। उससे पहले ये देखो, ये हल्का से हल्की इमेज थी ना, इसे ऐसे करके हमने डार्क कर ली कि जो कुछ ही पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है उन्हें सबको डार्क कर दो, बाकी सबको हटा दो। अब इसमें आप देखोगे ये कितनी गंदगी आ गई। अब ये गंदगी वाली इमेज एजेस को दोबारा से हटा देंगे, कैसे, hysteresis से। hysteresis में क्या होता है, मान लो ये तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू का थ्रेशोल्डिंग लाइन है, ये तुम्हारी मिनिमम वैल्यू है, मान लो मिनिमम वैल्यू है 100, मैक्सिमम वैल्यू है 180 मान लो, ठीक है। तो अब मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर वाली सब लाइंस तो हमने एज मानी ली, मिनिमम वाली से नीचे हटा दी, बीच में ये दोनों लाइनें आ रही हैं, तो इनका हम क्या करेंगे, जो बी वाली लाइन है आप ये देख रहे हो कि किसी भी मैक्सिमम वैल्यू वाले पिक्सल से कनेक्टेड नहीं है, बी वाली लाइन किसी भी मैक्सिमम वैल्यू से अपर वाले पिक्सल से कनेक्टेड नहीं है, तो हम इसे इस वाली लाइन को जो है हटा देंगे। लेकिन सी वाली जो एज आ रही है वो ऊपर भी कनेक्टेड है किसी पिक्सल से, तो हम इसे नहीं हटाएंगे, ठीक है। दैट इज नोन एज द हिस्टेरेसिस, ठीक है। एज ट्रैकिंग,
एज ट्रैकिंग वाया हिस्टेरेसिस, इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कैनी एज डिटेक्शन के सारे स्टेप्स होते हैं। अब ये देखो हमारे पास बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल परफेक्ट इमेज आ गई ना, तो इसे हम बोलते हैं कैनी एज डिटेक्शन का पूरा एल्गोरिदम। चलो अब कोड पे फटने, छोटा सा कोड खुल रखा है, मैंने इंपोर्ट कर लिया अपनी डिपेंडेंसीज, यहां पर मैंने शो कर रखा है सारी चीजें। सबसे पहले हमने क्या करा, एक इमेज को निकाल लिया, उसके बाद इमेज को कन्वर्ट कर लिया ग्रे स्केल में। ग्रे स्केल पे सारा हम लोग परफॉर्म करेंगे, अभी कलर पे नहीं करेंगे। अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने शो करा है सोबल एक्स, तो चलो हम लोग सोबल एक्स निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट सोबल एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या आपको बताया था, सोबल फंक्शन लगता है इसमें। सोबल, सोबल में सोर्स क्या देनी है हमें, इमेज दे देनी है। डेप्थ आपको मैंने बताया था -1 दे देना है। डी एक्स, यहाँ पे सोबल एक्स है तो डी एक्स को 1 करेंगे हम, और साथ में डी वाई को हम क्या करेंगे, 0, ठीक है। अब इसे ही हम कॉपी कर लेते हैं, फिर नीचे जाके लिखेंगे हम लोग ग्रेडियंट सोबल वाई, वाई डायरेक्शन का ये इसे देखना बहुत जरूरी है, स्किप मत करना, ठीक है। इमेज डेप्थ क्या हो गई हमारी, -1, डीएक्स यहां पर 0 आ जाएगा और डी वाई यहां पर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारी ग्रेडियंट सोबल एक्स हो गई, सोबल वाई हो गई। अब इन दोनों को ऐड कर देना, मैंने आपको बोला था ना सोबल एक्स और सोबल वाई को ऐड कर दो तो प्रॉपर सोबल निकलता है। तो ऐड क्या होगा, ग्रेडियंट सोबल एक्स वाई इज इक्वल टू cv2.addWeighted। addWeighted फंक्शन का यूज नहीं पड़ा हो तो स्टार्टिंग से सीरीज देख लो, बहुत छोटी सी सीरीज है बट बहुत इफेक्टिव है। ऑल राइट, सो addWeighted में हमें क्या करना है, एक फर्स्ट हमारी इमेज सोबल एक्स हो गई, उसे हमें 0.5 गुना ऐड कर लेना है। फिर उसके बाद हमारी सोबल वाई हो गई, उसे हमने 0.5 गुना ऐड कर लेना है, और गामा हमने 0 दे देना है। ये तो हो गई हमारा सोबल का खेल कंप्लीट। अब आ जाता है लैपलेसियन। शार का भी सेम होता है, तो मैं शार का आपको दिखा नहीं रहा हूं, बस थोड़ा सा एनहेंस्ड आउटपुट आ जाएगा, शार का भी सेम ही लगता है। तो मैंने यहां पर लैपलेसियन लगा लिया। सोर्स क्या है, इमेज है मेरी। डेप्थ क्या है, ऑलवेज -1। -1 क्या होता है, मतलब जो ओरिजिनल इमेज दे रहे हैं उतनी हमें डेप्थ रखनी है, ठीक है। ये हमारे पास -1 हो गया, लैपलेसियन भी आ गया। अब आना है कैनी, तो कैनी का आउटपुट इज इक्वल टू cv2.canny होता है। एक मिनट, सॉरी, ये हमारे पास कैनी फंक्शन आ गया। इमेज हमारे पास इमेज आ गई, थ्रेशोल्ड वन मान लो मैंने 80 दे दिया, और ये प्रॉपरली हिट एंड ट्रायल बेस्ड होता है, तो ट्रैक बार्स से अपना देख लेना कि किस में एजेस अच्छे आ रहे हैं। ट्रैक बार्स का यूज लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया है, सारी पूरी लिंक, पूरी सीरीज की लिंक इसमें वीडियो में है। गाइस सब्सक्राइब नहीं कराओ तो कर देना पक्का से, ठीक है। मैं अपनी हॉलीडेज कंज्यूम करके तुम लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। सो 80 150, मतलब ये जो हिस्टेरेसिस में यूज होना है ना लोअर, इससे नीचे वाली सारी एजेस हट जाएंगी और इससे ऊपर वाले सारे पिक्सल्स एजेस में कंसिडर हो जाएंगे और बीच के हिस्टेरेसिस डील कर लेगा, ठीक है, समझ गए। चलो इसे सेव करते हैं, अब एक बार आउटपुट देखते हैं चल के इसका। सो यहां पर देखना आप लोग डिफरेंस देखना सब में। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं सोबल एक्स और सोबल वाई। यहां पर आपको दिख रहा है ना, सोबल एक्स में ऐसे करके लगा फिल्टर, सोबल वाई में ऊपर से आया फिल्टर, उसके बाद इन दोनों को कंबाइन कर दिया हमने। कंबाइन करके हमारे पास क्या है, सोबल एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास सोबल एक्स प्लस वाई और ये है हमारे पास लैपलेसियन। आप देखोगे कि सोबल एक्स प्लस वाई में हल्के हल्के से धुंधलापन आ रहा है, एजेस बहुत सारी मोटी मोटी हो गई है, मतलब बहुत सारे पिक्सल्स एजेस में कंसिडर हो गए, लेकिन लैपलेसियन ने थोड़ा उसे क्लीन कर रखा है। लैपलेसियन ने बहुत पतली पतली एजेस बनाई है, बहुत से मतलब जो नॉन मैक्स सप्रेशन था वो भी लैपलेसियन में लग चुका है। अब एट द एंड हमारे पास आ जाता है कैनी का। कैनी का आउटपुट आप देखो, कोई बीट नहीं कर पाएगी कोई एल्गोरिदम यहां पर, ये जो हमने यूज करी है, चाहे शार हो, चाहे सोबल हो, चाहे प्रेवेट हो, चाहे लैपलेसियन हो, कोई भी फिल्टर कैनी का आउटपुट नहीं बीट कर सकते, क्योंकि इसके जो एंड के दो स्टेप, तीन स्टेप्स हैं, नॉन मैक्सिमम सेपरेशन, डबल थ्रेशोल्डिंग और हिस्टेरेसिस, ये ऐसा आउटपुट बनाते हैं, ठीक है। वरना तो आउटपुट वैसा ही होता सोबल जैसा इसका, बस लास्ट के तीन इससे डिफर करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट कैनी एज डिटेक्शन। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो, गिव मी अ फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, टेक्स्ट मी देयर, मैं तुरंत उसे रिजोल्व करूंगा, ठीक है। एंड गाइस सब्सक्राइब नहीं करा हो, शेयर नहीं करा हो तो गाइस शेयर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके रिलेटेड थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बनाएंगे एंड उसके बाद जंप करेंगे हम लोग मॉर्फोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस पे। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।